चंडीगढ़ विखे श्रोमणी अकाली दल दफ्तर विच बिक्रमजीत सिंह मजीठिया ने 84 के कतलेआम के एक मामले विच दोषी सज्जन कुमार नूं दिल्ली हाई कोर्ट वल्लों सज़ा सुनाए जाण दे फैसले दा स्वागत किया अते आख्या कि जेकर उम्र कैद दी तां फांसी की सज़ा हुंदी तां होर चंगा हुंदा। आज लोगों का विश्वास कोर्ट की प्रणाली में बहुत मजबूत हुआ है। उधर ही जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं, SIT जिन्होंने बनाई, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से का शुक्रिया अदा करता हूं कि ये SIT बनी और ये SIT ने ये केस जाके दोबारा रीओपन कराए। नहीं तो आपके सबके सामने है कि कैसे कांग्रेस पार्टी इसको इंसाफ के प्रोसेस को डीरेल करने की कोशिश करी। आज जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अगर मैं वो पढ़ के चार लाइनें सुना सकूं, द अक्यूज्ड इंजॉयड पॉलिटिकल पेट्रनेज एंड एस्केप ट्रायल, साफ लफ्जों में वो बात बोल दी जो हर इंसान बोलता था कि जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कमलनाथ, HKL भगत, ये लंबी लिस्ट है कांग्रेस लीडर्स की, इनने 3000 से भी ज़्यादा बच्चों, बच्चियों का, मामों का, बुजुर्गों का, हमारे भाइयों का कत्लेआम करा, सबके सामने करा, जला के करा, इज्जत लूटी और आज तक एक भी कन्विक्शन क्यों नहीं हुई। आज उसी पॉलिटिकल पेट्रनेज की बात हाई कोर्ट ने भी दोहराई है, इसलिए ये प्लानिंग अब वो दिन दूर नहीं। हाँ, मेरे दिल को और तसल्ली मिलती अगर ये सज्जन कुमार को उम्र कैद के साथ साथ अगर उनको सजाए मौत मिलती।